જમ્મુ કાશ્મીરમાં મેજર જનરલ બીએસ રાજુએ આતંકીઓ બાબતે નિવેદન કર્યું હતું કે દક્ષિણ કાશ્મીરમાં 115 આતંકીઓ છુપાયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. તો 99 સાન્ય અને 15 બહારના આતંકીઓ છુપાયા શકતાની જણાવી હતી. તેમજ તેમણે ઉમેર્યું હતું કે 6 મહિનામાં 80 આતંકીઓ ઠાર કરાયા હતા. साउथ कश्मीर के अंदर तकरीबन 115 टेररिस्ट हैं, जिसके अंदर तकरीबन 99 टेररिस्ट हमारा लोकल टेररिस्ट है और 15 से 16 फॉरेन टेररिस्ट हैं. और जो कार्रवाई हम पिछली 6-7 महीने से कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 80 टेररिस्ट हम न्यूट्रलाइज किया है और जिसके अंदर काफ़ी टॉप लीडरशिप है, हम समझते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा. और जैसे ही ये जो टेररिस्ट की नफरी कम होगा, हालात भी सुधरेगा. और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक दो पॉलिटिकल किलिंग हुआ है, इनको छोड़ के आज के दिन में साउथ कश्मीर में हालात काफी ठीक ठाक है. स्टोन पेल्टिंग की सिलसिला कम है, रैंडम एक्ट्स ऑफ यू नो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स, वो भी कम हुए हैं. सो हम समझते हैं कि जैसे ही ये सर्दी का मौसम चालू होगा, हमारे कार्रवाई भी कारगर रहेगा और साथ साथ में अमन भी आएगा.